एक स्टॉक है जो आप लोगों को बहुत पसंद है हमारे व्यूअर्स को, वो है IDBI बैंक। उसके अंदर काफ़ी ट्रिगर्स भी हैं और हमारे जो सहयोगी हैं दिल्ली से सुमित चतुर्वेदी, वो कुछ लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ लेके आए हैं IDBI बैंक के सिलसिले में। एक्सक्लूसिव स्टोरी उनके पास चलते हैं। गुड मॉर्निंग सुमित। देखिए, डेज हाई पे ट्रेड कर रहा है IDBI बैंक इस समय, क्या खबर लेके आए हैं आप? अजय, आज IDBI बैंक डाइवेस्टमेंट को लेकर एक मीटिंग होने वाली है। हाई लेवल मीटिंग, इंटर मिनिस्ट्रियल मीटिंग होगी। इसमें डिपो सेक्रेटरी, DFS सेक्रेटरी और वित्त मंत्री खुद शामिल होंगे। हम जानते हैं कि IDBI जो बैंक का डाइवेस्टमेंट है, इस साल नहीं होने जा रहा है, पर ऐसा नहीं है कि पूरा ही डिले कर दिया गया है। ये होगा कि जो बिड क्राइटेरिया है उसको रिव्यू कर रहे हैं, फ्रेश रिक्वेस्ट और प्रपोजल होगा वो भी इन्वाइट किया जाएगा। ये सब हम कल ही बात हुई थी, डीपम सेक्रेटरी ने कहा था कि ये क्योंकि क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ तो अभी हम उसको टाल रहे हैं, पर पूरा ऑफ द टेबल नहीं है। इसलिए ये मीटिंग में चर्चा होगी कि आगे का क्या रणनीति रहने वाली है, आगे क्या फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन रहने वाला है। कल का जो अनाउंसमेंट आया था डीपम की तरफ से कि अभी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल हम नया मंगाने वाले हैं, क्योंकि बिड प्रोसेस को बेहतरीन करने की योजना है कि बिड प्रोसेस और बेहतर हो। हम जानते हैं कि कुल मिला के सेंटर और LIC जो अपना स्टेक बेचने जा रही हैं, प्लान कर रही थी, वो स्टेक बेचने का प्लान था कि सेंटर लगभग 30% और LIC भी 30% के ऊपर अपने स्टेक बेचने जा रहा था, और थोड़ा प्रोसेस डिले हो गया है, पर पूरा ऑफ द टेबल है, ऐसा नहीं है। आई थी और उसके बाद हमने स्टॉक पे बैक भी देखा था, लेकिन सुमित हमें बता रहे हैं कि पूरी तरह से ऑफ द रडार नहीं है ये खबर, ये डिसइन्वेस्टमेंट की डिले जरूर हो सकता है। ठीक है, शुक्रिया सुमित इस जानकारी के लिए। तो कल इस नेगेटिव न्यूज का हमने इम्पैक्ट देखा कि स्टॉक गिरा था, लेकिन आज 1.5% की तेजी भी है स्टॉक में, रिवाइव भी हुआ 2%। तो ट्रेड होना कैसे चाहिए इस वक्त IDBI बैंक पर, ये एक बार समझ लेते हैं। प्रशांत, एक बार चार्ट चेक करके आप बताएंगे क्या दोनों तरह की पोजिशन दिख रही है? प्रशांत, IDBI बैंक को चेक करेंगे? ओके, अनम्यूट योरसेल्फ। यहाँ पे अगर मैं चार्ट स्ट्रक्चर देखूं तो ओवरऑल वीकनेस नजर आ रही है और एक सपोर्ट पे आया हुआ है, जो सपोर्ट बार बार इसका 60 का सपोर्ट है वहां पे ये आया, तो मुझे लग रहा है कि सिर्फ जो एक्युमुलेट कर रहे हैं, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है जिनको ये स्टॉक पसंद है, वो यहाँ पे खरीद सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस एट 56। बट अगर कोई फ्रेश बाय करना चाह रहा है तो मुझे लग रहा है मेरा रिकमेंडेशन ना होगा, क्योंकि इसमें हर बार जब भी ये स्टॉक थोड़ा भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है वहां पे बिकवाली आ रही है और हर बार ये न्यू लोज बनाते जा रहा है, तो मेरे हिसाब से इससे दूर रहना चाहिए। ठीक है, इस स्टॉक से थोड़ा भी आप दूर रहें, अभी आप कह रहे हैं IDBI के अंदर थोड़ा खबर और पुष्ट हो जाए उसके बाद फिर चेक कर लेंगे। शेयर को कहीं भागा नहीं जा रहा है शेयर।